नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक आज यानी 10 जनवरी को पूरे देश में रिलीज हो चुकी है और फिल्म के लिए एक अच्छी खबर आई है। फिल्म को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी जैसे राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म समाज में एसिड अटैक हमलों की शिकार महिलाओं को लेकर एक सकारात्मक संदेश देती है, साथ ही उनके आत्मविश्वास, संघर्ष, उम्मीद और जीने के जज्बे की कहानी बताती है। उन्होंने लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। फिल्म छपाक तेजाब हमले की शिकार हुई लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बनी है। फिल्म में दीपिका के किरदार का नाम मालती है, जो इस हादसे का शिकार हो जाती है। छपाक में लक्ष्मी के दर्द, सदमे, समाज और दोषी के खिलाफ संघर्ष, कानूनी लड़ाई को करीब से दिखाया गया है। दीपिका ने इस फिल्म में न सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि वो प्रोड्यूसर के तौर पर भी फिल्म से जुड़ी हैं। मेघना गुलजार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म कई कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुकी है। पहली बार फिल्म तब विवादों में आई जब दीपिका जेएनयू हिंसा के विरोध में प्रोटेस्ट में शामिल हुई। कई लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वो फिल्म का प्रचार करने पहुंची हैं। लोग फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए कहने लगे, फिल्म के टिकट कैंसिल करने लगे और उसके स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी छपाक के मेकर्स को लेकर थी। एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल, जिनकी जिंदगी पर छपाक बनी है, उनकी वकील हैं अपर्णा भट्ट। अपर्णा के मुताबिक उन्होंने लंबे वक्त तक लक्ष्मी का केस लड़ा, लिहाजा फिल्म की स्क्रिप्ट में भी उनकी मदद की और कानूनी पचड़ों के बारे में बताया, लेकिन मेकर्स ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। दिया तो सिर्फ आश्वासन कि क्रेडिट लिस्ट में उनका नाम हो, लेकिन 7 जनवरी को फिल्म में उन्हें कहीं अपना नाम नजर नहीं आया। इस मामले में उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई। 9 जनवरी को कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया कि मेकर्स उन्हें फिल्म में क्रेडिट दें। मामला निपट गया। अब फिल्म पूरे देश में रिलीज हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको बताया, देखी जा रही है, क्रिटिक्स और जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर आप प्लान बना बैठे हैं तो ज़रूर देख कर आइए, अपने कॉमेंट्स शेयर करिएगा। कॉमेंट बॉक्स खुला है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।